जनपद संभल के बनियाखेड़ा विकास खंड में सरकारी आवासों की योजना के लाभार्थियों को देने के लिए आए सहजन के पेड़ लाभार्थियों को वितरित नहीं किए गए हैं, जो कि बनियाखेड़ा विकास खंड के परिसर में पड़े हुए हैं। जबकि केंद्र और प्रदेश की दोनों सरकारें लोगों को पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, लेकिन सरकारी विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसका ताजा उदाहरण बनियाखेड़ा विकास खंड में देखने को मिला। जब इस विषय में खंड विकास अधिकारी अनुराग भटनागर से बात की गई, तो वे सवालों को टालते हुए नजर आए। ब्लॉक परिसर के अंदर पड़े हुए हैं, सड़ लाए, तो इनकी कोई देख रेख, कोई देखभाल नहीं। इनको सही तरीके से रखवाया जाता तो ये सूखते नहीं, खराब नहीं होते। पेड़ यहाँ पर खराब नहीं है, यहाँ वो पेड़ है जब आपके बहुत ज्यादा संख्या में आते हैं, तो कुछ पेड़ जो है वो आपके खराब हो गए। नहीं, ये जिस तरह से पड़े हैं, उल्टे सीधे गिरे हुए पड़े हैं, जैसे एक तो रखा जाता है तरीके से, और ये पड़े हुए हैं कूड़े में उल्टे सीधे। कूड़े में नहीं, ये तो आपके वो हैं जो खराब हो गए। अच्छा, एक बार आप चल के निगाह मार लें तो बेहतर होगा, क्योंकि हरे भरे पेड़ हैं वो जो खराब उल्टे सीधे पड़े हैं, आप एक बार देख लीजिए। लेकिन सर, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सरकार जो है वृक्ष लगाओ अभियान चला रही है, उसको जो पलीता लगाया जा रहा है। योजनाओं में योगदान कर रहे हैं और बारह में योगदान भी करते रहेंगे, ये तो पेड़ बहुत ही अच्छे हैं। तो ऑक्सीजन के लिए भी हैं, आपके कोशिश करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपके बहुत ज़्यादा। आवास योजना में जो सहजन पेड़ दो हर लाभार्थी को दिए गए थे लगाने के लिए आवासों पर, वो पेड़ ब्लॉक परिसर के अंदर हजारों की तादाद में सड़ रहे हैं, जो सूख भी गए, खराब हो गए, ये क्यों पड़े हैं यहाँ पर? ऐसा नहीं है कि ये लगे नहीं है, पेड़ लगे हैं और सूख नहीं है। कुछ पेड़ जब आते हैं तो क्षति तो होती है, 4-5% आपकी क्षति होती है, पेड़ सूख भी जाते हैं, लाने ट्रांसपोर्टेशन में उनकी जो है रोड जो है डिस्टर्ब हो जाती है, सूख जाते हैं, तो छोटे पेड़ हो जाते हैं, वो खराब हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है सब लाभार्थियों के पेड़ लगे हुए, क्योंकि कहीं पेड़ सूख गए हैं लाभार्थी से, तो उनकी क्षति होती है। दूसरे पेड़ कई लाभार्थियों ने हमें बताया कि पेड़ हम पे आए नहीं थे। पेड़ आए हैं, सब जगह पेड़ आए हैं, पेड़ नहीं आए लाभार्थी।